अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सरिश एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। आज हम अपनी कोर्स बुक की स्टोरी नंबर 2 पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है आस्किंग परमिशन, यानी कि इजाज़त लेना। ठीक है, अगर हम किसी की कोई भी चीज़ लेते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ लेते हैं, उससे हम पहले क्या लेते हैं? इजाज़त लेते हैं। बिना पूछे हम किसी की चीज़ नहीं लेते, ठीक है। इसी तरह की ये बहुत मज़ेदार स्टोरी है। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये स्टूडेंट्स, ये स्टोरी हमारी मौजूद है पेज नंबर 23 पर, तो काइंडली अपना अपना पेज नंबर 23 खोल लीजिए। अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बाला लव ब्रिंजल भुजिया। बाला को क्या पसंद था? बाला लव ब्रिंजल भुजिया, उसे बैंगन का भरता बहुत पसंद था। बैंगन की भुजिया बहुत ज़्यादा पसंद थी। वन डे बालास वाइफ आयशा वांटेड टू मेक सम भुजिया। एक दिन बाला की बेगम, यानी कि जिसका नाम क्या था? आयशा था, उसे कुछ भुजिया बनानी थी, बैंगन की भुजिया बनानी थी। शी डिडंट हैव एनी ब्रिंजल, लेकिन उसके पास कोई बैंगन मौजूद नहीं थे। शी आस्क्ड हर हस्बैंड, उसने अपने शौहर से कहा टू गेट हर सम, कुछ ले आओ। नियर द विलेज, गांव के करीब, देयर वॉज अ फील्ड, वहाँ एक खेत था विद लॉट्स ऑफ ब्रिंजल, जहाँ पर बहुत सारे बैंगन मौजूद थे। ठीक है, बाला एक आदमी था जिसको बैंगन की भजिया बहुत ज़्यादा पसंद थी। ठीक है, एक दिन आयशा, जो कि बाला की वाइफ थी, बाला की बेगम थी, उसको क्या बनानी थी? बैंगन की भुजिया बनानी थी। ठीक है, लेकिन उसके पास बैंगन मौजूद नहीं थे, तो उसने अपने शौहर से कहा, क्या कहा? कि मुझे कुछ बैंगन ला दो ताकि मैं भुजिया बना सकूं। ठीक है, उनके गांव के पास ही एक खेत मौजूद था जहां पर बहुत सारे बैंगन मौजूद थे। ठीक है, इट बिलोंग्स टू बूटा, और वो खेत किसका था? वो ब्रिंजल सारे के सारे, जो बैंगन उस खेत के अंदर मौजूद थे, वो किसके थे? बूटा के थे। ठीक है, बाला वेंट टू द फील्ड, बाला चला गया खेत में। ही डिड नॉट टेक अ ब्रिंजल एंड रन, इंस्टेड ही बेंट डाउन बिसाइड द ब्रिंजल प्लांट एंड सो दैट हिज माउथ वॉज क्लोज टू द ग्राउंड। उसने क्या किया? उसने पहले ब्रिंजल नहीं उठाया, पहले बैंगन वहाँ से नहीं उठाए, उसने क्या किया, वो उल्टा झुका। ठीक है, उस खेत में वो झुका, कैसे झुका? उसका सर ज़मीन से लगा, और क्या किया उसने वहाँ पर? फील्ड, ही विस्पर्ड, मे आई टेक अ ब्रिंजल, उसने क्या कहा? खेत, ही विस्पर्ड। विस्पर्ड का मतलब जब आप किसी कान में कुछ कहते हो ना, ताकि दूसरा बंदा ना सुन सके, उसको क्या कहते हैं? हम विस्पर्ड कहते हैं। ठीक है, बहुत ही आहिस्तगी से बोलना क्या कहलाता है? विस्पर्ड कहलाता है। मे आई टेक अ ब्रिंजल, क्या मैं बैंगन ले सकता हूँ? अच्छा, उसने किससे परमिशन मांगी? उस खेत से परमिशन मांगी। उसने क्या किया, बाला ने, जब बाला खेत पे पहुंचा, तो उसने क्या किया, ग्राउंड के ऊपर, वहाँ पर खेत के ज़मीन के ऊपर उसने सर रखा और कहा, उसके जैसे कि वो उससे बात कर रहा हो, ठीक है, खेत से बात कर रहा हो, क्या मैं यहाँ से ब्रिंजल ले सकता हूँ? इजाज़त ली, ठीक है, खेतों से इजाज़त ली, क्या मैं यहाँ से बैंगन ले सकता हूँ? वाई ओनली वन डियर बाला, ही रिप्लाइड प्रिटेंडिंग टू बी द फील्ड, टेक्स एज मैनी एज यू लाइक। अच्छा, अब क्या किया उसने? उसने खुद ही को, अपने आप को ही जवाब दे दिया। ठीक है, उसने प्रिटेंडिंग का मतलब एक्टिंग करना, यानी कि उसने ऐसा एक्ट किया, क्या एक्ट किया, कि फील्ड जो खेत है वो जवाब दे रहा हो। एक क्यों? बहुत सारे लोग, जितने चाहे तुम्हारा दिल करे तुम उतने बैंगन लो। ठीक है, क्या किया उसने, जब उसने परमिशन ली खेत से, तो उसने खुद ही, ठीक है, अपने आप को ही जवाब दिया। ठीक है, खुद ही परमिशन ली और ख़ुद ही जवाब दे दिया, और ऐसे प्रिटेंड किया, ऐसे एक्टिंग की के लगे कि वो जो खेत है वो उसे जवाब दे रहा हो। तुम एक क्यों ले रहे हो ब्रिंजल, तुम्हें तुम्हारा जितना दिल करे तुम बैंगन लो। ठीक है, बाला टुक अ डजन ब्रिंजल एंड वेंट होम, बाला ने दर्जन के करीब क्या लिए, बैंगन लिए और अपने घर चला गया। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, चंद दिनों बाद, ही वॉन्टेड टू ईट ब्रिंजल अगेन, उसे दोबारा बैंगन खाने थे। बाला वेंट टू द फील्ड फॉर सेकेंड टाइम, बाला दोबारा दूसरी बार खेत गया।
एंड देन अगेन एंड अगेन, इस तरह वो बार बार वहाँ जाता रहा। ठीक है, अब क्या था, बाला एक आदमी था जिसे बैंगन की भुजिया बहुत ज़्यादा पसंद थी। ठीक है, एक दिन बाला की वाइफ ने क्या किया, बाला की वाइफ ने कहा, बाला की बेगम ने कहा, जिसका नाम आयशा था, कि मुझे कुछ बैंगन ला दो। बाला अपने करीबी गांव के खेत में गया और वो खेत किसका था, बूटा का था। बूटा की इजाज़त के बगैर उसने वहाँ से एक दर्जन क्या ले लिए, बैंगन ले लिए, और ऐसे एक्टिंग की कि उसने खेतों से परमिशन लिए, इजाज़त लिए, जबकि उसने खेत तो बोल नहीं सकते ना, खेत क्या है, खेत तो एक बेजान चीज़ है। ठीक है, वो खेत तो बस ठीक है, अब उसे किससे परमिशन लेनी चाहिए थी, बूटा से लेनी चाहिए थी। बूटा से उसने कोई परमिशन नहीं ली, कोई इजाज़त नहीं ली, उसने बिना इजाज़त के क्या ले लिए, वहाँ से बहुत सारे बैंगन ले लिए। ठीक है, अब दोबारा उसे बैंगन खाने का दिल किया तो वो दोबारा उस खेत में जाता और बैंगन तोड़, बिना इजाज़त के बैंगन तोड़ के ले आता। अब वो बार बार इस तरह करने लगा, उसे लगता कि वो खेतों से इजाज़त ले रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसे किससे इजाज़त लेनी चाहिए थी, बूटा से इजाज़त लेनी चाहिए थी। ठीक है, आगे क्या होता है, बूटा द ओनर ऑफ द फील्ड वॉज वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग। बूटा जो कि मालिक था खेत का, बहुत ज़्यादा बड़ा और ताकतवर था। ठीक है, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, ताकतवर। ही न्यू दैट समबडी वॉज स्टीलिंग हिज ब्रिंजल। उसको मालूम था कि कोई उसके बैंगन चुरा रहा है। स्टीलिंग का मतलब क्या होता है, चुराना। ही वॉन्टेड टू कैच द थीफ, वो चोर को पकड़ना चाहता था। ठीक है, आप पेज टर्न ओवर कीजिए, पेज नंबर 24 खोलिए।